नमस्कार, मैं हूं शिवानंद मिश्रा और आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। आज हम पहुंचे हैं गौरा विधानसभा क्षेत्र में। यहां से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राम प्रताप सिंह जी, या डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच में कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या माहौल है, लोगों की क्या कुछ समस्याएं, इन्हीं से जानते हैं। राम प्रताप जी, गोंडा पोस्ट पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप विधानसभा क्षेत्र में लोगों के घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, कितना उत्साह वोटरों में नजर आ रहा है? मैं जिस गाँव में खड़ा हूँ, भावपुर है, यहाँ तो जन जन की पुकार है कि राम प्रताप सिंह अब की बार, एक भी वोट यहाँ कहीं जाने वाला नहीं, 100% तीनों पूर्वे का वोट। तो कांग्रेस के पंजे निशान के सामने की बटन दबना है, आप पूछ लीजिए सबसे। समस्याएं कुछ लोगों की होंगी, बता रहे होंगे। कोई समस्या नहीं है, समस्या तो पहले समाधान कर दिया हूँ। हमारे गांव, ये मेरी गांव सभा है, हैं, हमारे गांव सभा का ही राजस्व ग्राम है भावपुर, हमारा तो निपनिया राजस्व ग्राम है। यहाँ देखें, सभी गाँव में खड़ंजा लगा है, सभी तरफ चारों तरफ से पक्की सड़क है, बिजली है, हैंडपंप लगा है, और जो समस्या होगी हमारे परिवार के लोग जब भी बैठेंगे निपटा लेंगे हम। विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तमाम लोग आपसे मिल रहे होंगे, उनकी कुछ परेशानियां होंगी, पीड़ित भी होंगे। सबसे ज्यादा तो पीड़ित है यहाँ के विधायक से लोग, जो अब जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हों, या अन्य कोई हो, सबको वो प्रताड़ित करते हैं पुलिस का सहयोग लेकर के। ये 5 साल का वर्किंग रहा है, इसे वो पापाचार से मुक्ति पाना चाहते हैं लोग। ये छटपटाहट रही लोगों में, और इंतजार कर रहे थे 2022 के चुनाव का, अब वो दिन आ गया है, लोग पूरे फार्म में हैं और सब कांग्रेस के साथ हैं, और पंजा निशान है, राम प्रताप सिंह का चेहरा है। थोड़ा हम ये लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, हम भी कर क्षेत्र में थे, तो तमाम लोग कैमरे पर नहीं बोलना चाह रहे हैं, राम प्रताप सिंह जी को पसंद कर रहे हैं, सीधे हैं, सज्जन हैं, सरल हैं, यह भी लोग बता रहे हैं, तो ऐसा क्या डर है जो लोग खुलकर सामने नहीं बोल रहे हैं? उनका आतंक है, लोग कैमरे में जाना नहीं पसंद करते, उनका आतंक है। उनके गाँव में जाइए, मैं उनकी पोलिंग जीत रहा हूँ, आप गाँव में जाइए और उनसे लोग आप वहाँ जायजा लीजिए, कैमरा हटा दीजिए, तो लोग बताएंगे राम प्रताप सिंह को इस बार हम ला रहे हैं, लेकिन कैमरे सामने नहीं आएंगे। तमाम लोग कैमरे सामने भी आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सवाल ये नहीं कैमरे सामने आए तभी, सवाल ये है कि अगर कैमरा हटा करके आप उनसे बात करेंगे अलग से, तो निश्चित रूप से कहेंगे राम प्रताप सिंह। विधायक जो होता है जनता का सेवक कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि जनता उनसे इतना भय? जिस गाँव में आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, ये मुस्लिम आबादी है, तीनों पूर्वा मुस्लिम आबादी है, और ये मेरी गाँव सभा है, और एक आध घर के लोग मुझको वोट देते थे जब भाजपा से चुनाव लड़ता था। लेकिन पूछ लीजिए इन लोगों से, मेरी पीठ पीछे एक का भी उत्पीड़न नहीं किया हूँ, सबका सम्मान किया हूँ, वोट मिला नहीं मिला से मतलब नहीं है, मैंने सभी का सेवा किया है, सबका सम्मान किया है, इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। आखिरी में आपसे हम जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि चूंकि लोग आप सपा में थे जी, आपका चुनाव निशान पंजा है, तो यह लोग कैसे जान पाएंगे कि आप राम प्रताप सिंह को जिताना है तो पंजे पर बटन दबाना है? मुझे टिकट मिला, टिकट कटने के बाद सब में मायूसी छा गई थी, चाहे वो मतदाता रहे हमारे समर्थक और चाहे वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता रहे होंगे, इन्हीं लोगों के फोन पर कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, मैं निर्दलीय नहीं लड़के कांग्रेस का पंजा निशान लेकर आया हूँ। और जैसे ही न्यूज पे आया कि राम प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी से आ रहे, पंजा निशान है, गाँव गाँव घर घर पहुंच गया पंजा निशान। और पंजा निशान एक ऐसा है, हाथ का पंजा, जो कि इलेक्शन कमिश्नर भी चाहें कि वो अंदर नहीं जाएगा पोलिंग के, तो साथ में जाएगा, और पंजा सबका है, पंजा सबके पास है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मनुष्य के रूप में आया है तो पंजा सबके साथ में है, कोई पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई निशान नहीं देख रहे हैं, राम प्रताप सिंह का चेहरा देख रहे हैं। अभी हम घर पर थे तो देख रहे थे कि आप लोगों को अपना नंबर बता रहे थे, इतने सरल और सहज है, इसका राज क्या है? नंबर इसलिए बताता हूँ कि नंबर जो है, जैसे बैंक में लोग बैलेंस रखते हैं, बैंक में खाते में बैलेंस है और डेबिट कार्ड उनके पास है, जहां मर्जी आए, चाहे जिस बैंक का एटीएम हो, मशीन हो, डाल करके जितना पैसा हो उतना निकाल सकते हैं। हमने कहा हमारा यही डेबिट कार्ड है, हमारा नंबर रखिए अपने पास, और ये राजनीतिक शक्ति बटोरने का समय है, 5 दिन मेहनत कर लीजिए, 5 साल मौज करिए, और जहां मेरी जरूरत समझिए वो नंबर निकालिए, एटीएम कार्ड की तरह काम करेगा, इसीलिए नंबर सबको। धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आप थे गौरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राम प्रताप सिंह जी। आपने साफ तौर से कहा कि इनका जो नंबर है एटीएम कार्ड की तरह है, 5 दिन आप मेहनत कर लीजिए और 5 साल आप राज कीजिए, जनता के बीच में रहेंगे, लोगों के घर घर तक पहुंचेंगे और विकास करेंगे। आप देखते रहिए गोंडा पोस्ट, और प्लीज गोंडा पोस्ट के पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।